हमारे किचन स्वाद लाजवाब में दोस्तों आप सभी का सब्सक्राइब कीजिए स्वाद लाजवाब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे मेरे हर वीडियोस के अपडेट आपके पास सबसे। फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं वाली हूँ, आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको आज बताऊँगा कैसे जिंजर पाउडर हम घर में होममेड रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए 200 ग्राम अदरक लिया है और एक को छिलका उतार लिया है। हम अदरक का पाउडर विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत समय अदरक को पेस्ट बनाने में बहुत सा टाइम लग जाता है और हमारे बिजी शेड्यूल में ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप ये होममेड पाउडर बना के रखते हैं तो आपको विभिन्न रेसिपीज़ में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए मैंने इस अदरक को बारीक काट ले रही हूँ। मैंने यहाँ नाइफ का यूज़ किया, आप कोई स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड शेप में, उसके बाद मैं इस तरह से लंबाई में इसे काट ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप में बहुत छोटा छोटा इसे काट लीजिए जिससे सूखने में बहुत ही आसानी हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी है तो लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अदरक का पाउडर हम बहुत दिनों तक स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। हम इसे 6 महीने के लिए अच्छे तरह से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। देखिए हमने अदरक को चॉप कर लिया है, इस तरह से बारीक मैंने काट लिया है। अब फ्रेंड्स हम इसे कोई भी न्यूज़पेपर बा कोई सूती का कपड़ा के ऊपर इसे सन ड्राई कर लेंगे। इसे 1 से 2 दिन अच्छे से धूप में सुखा लेने से ये बहुत अच्छे से सूख जाती है। और आप छिलके के समेत भी इसे चॉप कर सकते हैं, पर अच्छे से वॉश करके जो जॉइंट पोर्शन है उसे साफ़ करके फिर आप चॉप कीजिए, इससे भी पाउडर बहुत अच्छा होगा। देखिए मैंने यहाँ पहले से ही अदरक को चॉप करके अच्छे से 2-3 दिन सुखा लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सूख चुका है और आसानी से टूट भी जा रहा है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना इजीली टूट जा रहा है। मैंने यहाँ 200 ग्राम अदरक को इस तरह से बारीक काट के इस तरह से धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अब हम एक मिक्सिंग जार ले रहे हैं। अब ये ड्राई अदरक पीसेस को हम इस मिक्सिंग जार में ऐड कर दे रहे हैं और अब हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके हम वापस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने अदरक पीसेस को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए हमारा पाउडर कितने अच्छे से रेडी हो चुका है, कितना फाइन पाउडर रेडी हुआ है आप देख सकते हैं। आप इसे कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंटली कोई भी रेसिपी आपको बनानी ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का ट्रिक है, पहले आपको जितना आपको अदरक का पाउडर ज़रूरत है उतना आप उसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो कर रखिए, फिर आप कोई भी रेसिपी में यूज़ कीजिए। इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल कच्चे अदरक की तरह ही होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये इसका टेस्ट एकदम कच्चे अदरक की तरह ही आता है, अदरक के पेस्ट की तरह ही आता है। सिर्फ यूज़ करने से पहले आप इसे थोड़े से गर्म पानी में भिगो के फिर यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।